आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक ठाकुर, भावना ठाकुर, राजेंद्र सिंह ठाकुर और मंजू ठाकुर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हुए, जिनसे आचार्य सुरेश शास्त्री ने वेद मंत्रों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान भजन गायक सुरेंद्र शर्मा ने सुंदर भजनों का गुणगान किया, तो वहीं प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी परिवारों को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंत्री हर्ष लखनपाल ने कार्यक्रम को संपन्न करवाया। इस अवसर पर चौधरी हरीश चंद्र, मोनिका अरोड़ा, नरेंद्र गुप्ता, अमित शर्मा, कुबेर शर्मा, नंदनी शर्मा, विजय चावला, अश्विनी डोगरा, राजकुमार सेठ, अर्चना मिश्रा, खुशबू, रमा शर्मा, इंदु आर्य, अनु आर्य, सुभाष आर्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। प्रभु भक्ति में मन को लगाए, वो सब पार पाल निहार है, सुख पूरे करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो मंत्र है, प्रभु भक्ति में मन को लगाए। सुरेंद्र आर्य जी जैसे जो भजनीक हमारे बीच में हो, तो हमें दो तीन भजनों से तो शब्दावली बनती है, उसके बाद पूरी रूपरेखा इनसे जाननी पड़ती है, लेकिन ज्यादा समय का अतिक्रमण ठीक नहीं है। तो आज हमारे बीच में विशेषकर हमारे कुबेर शर्मा जी के, जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी छोटी सिस्टर भावना, जो तो पहले भी आर्य समाज में अपने परिवार के साथ आती थी, आज अपने नए परिवार को बढ़ाकर यहाँ पहुंची हैं। परम पिता परमात्मा अभिषेक जो हमारे बीच में आज पहली बार आए हैं, अपने पिताजी, माताजी और अपने सगे संबंधियों के साथ, इन सबका इस आर्य समाज के मंच की तरफ से मैं आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो माघ मास का हमारा एक कार्यक्रम है, यज्ञ का कार्यक्रम नृत्य प्रति हो रहा है, और आज विशेष कार्यक्रम था। आज के इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे मंच पर असीम आचार्य सुरेश शास्त्री जी, संगीत सम्राट सुरेंद्र आर्य जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे इस पवित्र पावन यज्ञ को जो मुख्य यजमान के रूप में बेटा अभिषेक और प्यारी गुड़िया भावना और इनके माता पिता, चाचा चाची, सारा परिवार ये, और कुबेर जी, पूरे परिवार को कितनी श्रद्धा की यहाँ पर बैठ के उन्होंने बड़ी पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने यज्ञ किया। ये ऐसा यज्ञ है परम पिता परमात्मा, क्योंकि इस यज्ञ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगी राज विशेष नित्य प्रति यज्ञ करते थे। यही जो मंत्र आपने जब महाभारत काल में आपने, क्योंकि कई बार हम नहीं विचार करते, जब मुझे पिछले दिनों महाभारत का सीरियल चलता था तो उसमें देखा होगा आपने किस प्रकार जितने भी मंत्र उच्चारण होते इसी वेद मंत्र के द्वारा होते। वेद को आज के लिए जब से सृष्टि हुई तब से वेद है,